For what? Nimshan Prashab, आप ये बताइएगा आज जो पाकिस्तान इंसाफ रैली है इसके बारे में बताइएगा कोई अहम ऐलान जो खान साहब मुतवक्के है वो क्या होगा और ये हमारी जो गैदरिंग जो होनी थी एक्सपेक्टेड जो थी वो नहीं हो सकी क्योंकि पूरा चौक हो गया पूरा टोटली पंजाब में कहीं रास्ता नहीं है जो भी दोस्त मिल रहे हैं वो यही कंप्लेन कर रहे हैं कि आने के लिए कोई भी स्पेस इन्होंने नहीं दी अच्छा इसमें दो बातें तो बहुत अहम है। सबसे पहली बात तो ये है कि नुमान साकिब का शेर है कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। तो गुजारिश ये है कि ये ज़ियाउल हक का तरीकाकार था। MRD की मूवमेंट में ये सब कुछ, ये सब इस प्रैक्टिस से हम गुजर चुके हुए हैं। इस रियासती वारदात से हम दूसरी तीसरी बार जो हैं ये हमारी प्रैक्टिस में आ रही है। तो चूंकि नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का वारिस है तो ये वही कुछ करेगा जो इसका जद्द अमजद, जो इसका सियासी जद्द अमजद जो है वो करता रहा। अब जहां पे आपने बात की है कि रास्ते बंद कर दिए इन्होंने, तो रास्ते बंद करने से इंसानी फिक्र, इंसानी सोच और वो नफरत जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है वो कंटेनर से नहीं रुकती। आप लोगों की भूख कंटेनर से नहीं रोक सकते, आप तशद्दुद को, जबर को कंटेनर से नहीं रोक सकते, आप लोगों की बेरोजगारी जो है उनको रोजगार कंटेनर लगा के नहीं दे सकते, आप तालीम और सेहत जो है वो कंटेनर लगा के नहीं दे सकते। रियासत की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने शहरियों का ज़हनी मियार बुलंद करे, ना कि अपने शहरियों को ये सिखाए कि जो शख्स राइट ऑफ एक्सप्रेशन मांगता है उसके रस्ते रोके जाए। आज़ादी बोलने का हक, बोलने का हक, जिंदा रहने का हक, नकल मकानी का हक, जायदाद खरीदने का हक, सेहत का हक, तालीम का हक,
ये वो हक हैं सर, और इस तरह के बहुत से हकूक जो हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसकी जमानत पाकिस्तान का आइन दे रहा है। आज इस पाकिस्तान के आइन की धज्जियां एक दफा नवाज शरीफ ने ज़ियाउल हक की सुन्नत अदा करते हुए पाकिस्तानी अवाम के जज्बात के साथ खेल के की है। ये कंटेनर्स वक्ती हैं, इनसे आप इंसानों को एक लम्हे के लिए रोक सकते हैं। जो फिलॉसफी ऑफ वॉल है, जो फिलॉसफी ऑफ कंटेनर है, दीवार जो होती है, दीवार या तो तोड़ने के लिए होती है या फलांगने के लिए होती है। और दुनिया में जब भी हुक्मरानों ने किसी दीवार को आवाम के सामने खड़ा किया तो दीवारें बढ़लन नहीं रही। दुनिया में दीवारें इंसानों का रास्ता नहीं रोक सकती, फिक्र का रास्ता नहीं रोक सकती, सोच का रास्ता नहीं रोक सकती। और जहां तक रही पार्टिसिपेशन की बात, तो पार्टिसिपेशन में तो इंसानों का एक समुंदर है, इंसानों का एक समुंदर है जो कि इमरान खान के साथ है। और अभी जाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। और अभी अभी चंद लम्हों में आप ये देखेंगे कि ये वीकेंड है, ये वीकेंड है, और लाहौरियों की एक खूबी है, आप 23 मार्च 1940 से लेकर अब तक पाकिस्तान में चलने वाली तमाम तहरीकों को, तमाम मूवमेंट्स को देखें, लाहौरिये या तो प्रोटेस्ट करते हैं या नहीं करते। तो आज इन ये कंटेनर्स ये बता रहे हैं कि लाहौरिये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लाहौरियों को प्रोटेस्ट से रोका जा रहा है, मगर आपके ये कंटेनर ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में ये कंटेनर अवाम खुद ही हटा देंगे। आप पाकिस्तानी अवाम को, लाहौर की अवाम को मुश्तइल कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं, तशद्दुद की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि वो रियासती मशीनरी के खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार करे और उसके बदले में कोई फौजी कू हो और नवाज शरीफ की हुकूमत, और नवाज शरीफ एक बार फिर सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहा है। क्यों? कि इन 3.5 सालों में उसने आवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया। ये इतने लाहौरिये बैठे हुए हैं, खड़े हैं मेरे साथ, इनमें से किसी एक से पूछ लें, किसी इनमें से किसी एक से पूछें, क्या मेट्रो हमारी जरूरत थी? नहीं। क्या ऑरेंज ट्रेन हमारी जरूरत थी? नहीं। हमारी जरूरत तालीम थी? नहीं। हमारी जरूरत रोजगार थी? नहीं। हमारी जरूरत रोटी थी? नहीं। हमारी जरूरत तहफ्फुज थी? नहीं। क्या हम बिजली थी? ये सारी जरूरतें थी। क्या हुकूमत ने क्या हुकूमत ने गुज़श्ता 3.5 सालों में पाकिस्तान की अवाम को वो सब कुछ डिलीवर किया है जो कि अवाम की मर्जी थी? तो अवाम की मर्जी के मुताबिक आपने कुछ भी उनको डिलीवर नहीं किया। और जब कोई हुकूमत अवाम की मर्जी के खिलाफ चलती है तो वो ज्यादा देर नहीं चलती। देखिए, इसमें बहुत सीधी सी बात है, हम एंडिंग पॉइंट पे खड़े हैं और हम अपने कायद के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। हम एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, और जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हुक्म देंगे तो इस रास्ते में कोई माई का लाल ना बंदूक वाला नज़र आएगा, ना वर्दी वाला नज़र आएगा, ना कंटेनर नज़र आएगा, ना कोई सरकारी मुलाजम नज़र आएगा। और ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप प्रोटेस्ट के लिए आ सकते हैं, यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, हर जगह जो इजाज़त है। अब अगर दूसरे तरफ देखा जाए तो आप काला शाह काबू में आप नहीं करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, सडनली सारा हो जाता है, तो आपकी बारी आती है, टेंट फॉल जाते हैं, देखें सीधी सी बात है, इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूरज गरूब हो चुका है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सूरज गरूब हो रहा है। हम चढ़ता हुआ सूरज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल है, ये चढ़ता हुआ सूरज है, इसे कोई माई का लाल निकलने से रोक नहीं सकता। हमारे खिलाफ इसलिए रियासत अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल कर रही है क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या चेयरमैन इमरान खान है जिसकी क्यादत पर लोग एतमाद करते हैं। और
یہ تو حکومتوں کا وتیرہ رہا ہے کہ جو اقتدار کے اجارہ دار ہوتے ہیں ان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ جب نئی کوئی طاقت ابھرتی ہے تو اس کے رستے میں ایسے ہی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، ایسے ہی کنٹینر کھڑے کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، آنسو گیس چلاتے ہیں، جیلیں بڑھتے ہیں، جلاوطن کرتے ہیں۔ یہ جابرانہ اور عامرانہ ذہنیت ہے جن کی گود میں ان کی پرورش ہوئی ہے، اور ہم نے ضیاء الحق کو بھی ٹف ٹائم دیا تھا، ہم نے پرویز مشرف کو بھی ٹف ٹائم دیا تھا، تو یہ تو بہت ہومیوپیتھک سے حکمران ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب نواز شریف کو ہم اس بار پاکستان سے بھاگنے نہیں دیں گے۔